बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, सबक नवाब मोहसिन अल मुल्क के सिलसिले का आज पांचवा लेक्चर है और आज के लेक्चर का मौजू खुलासा है। अज़ीज़ तलबा, खुलासा किसे कहते हैं और कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में हम पहले पढ़ भी चुके हैं। अब खुलासा, नवाब मोहसिन मुल्क सबक का खुलासा पढ़ने से पहले हम इसकी अहम अहम बातों को दोबारा दोहरा लेते हैं। इसकी अहम बातें यही हैं कि असल इबारत से कम हो, एक तिहाई अल्फाज पे हो तो मुनासिब है, असल इबारत की नस्बत ज़बान सादा और सलीस हो, इबारत का मफहूम अपने अल्फाज में बयान किया जाए, हम माने जुमलों और मुतरादिफ अल्फाज को हजफ कर देना चाहिए, खुलासा में रब्त व तसलसल का ख्याल रखना चाहिए, फिकरात आपस में जुड़े हुए हों। इबारत अगर मुकालमा की हो तो मफहूम अपने अल्फाज में बयान करें, इबारत में जो अहम नकात बयान किए गए हों खुलासा में इनकी तरतीब कायम रहेगी, खुलासा में वो ख्यालात बयान करें जो असल इबारत में मौजूद हों। तो खुलासा कैसे लिखना है, इसकी अहम अहम बातें तफसील के साथ हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अब दोबारा भी मैंने इसको दोहरा दिया है। आए इन अहम बातों को मद्देनजर रखते हुए नवाब मोहसिन मुल्क का खुलासा पढ़ते हैं। अजीज तलबा, सबक के तीसरे हिस्से में जो हमने निकात पढ़े थे, इन्हीं निकात की बुनियाद पर हम इसका खुलासा लिखेंगे और खुलासा की बुनियाद इन्हीं निकात पे होगी। नवाब मोहसिन मुल्क बेशुमार खूबियों के मालिक थे, इनका नाम इनकी शख्सियत पर सादिक आता था, सबको फायदा पहुंचाते और दूसरों का एहसान हमेशा याद रखते। आपने कभी अपने फ़ायदे के लिए किसी की मुखालफत ना की, ये आपके खलूस का ही करिश्मा था कि आपके मुखालफ भी आपके हक में दुआएं करते थे। हैदराबाद में आपकी खूबियाँ खुलकर सामने आईं और वो बहुत उलझे हुए मसाइल को आसानी से सुलझा लेते थे। अहले हैदराबाद पर इनके अनगनत एहसानात थे, इनमें कुछ कारहाए नुमाया ये हैं: रियासत का बाकायदा बजट बनाया, बंदोबस्त का महकमा कायम किया, हैदराबाद में बहुत लोग आए लेकिन जो पजीराई नवाब मोहसिन मुल्क को मिली वो किसी और के हिस्से में नहीं आई। अवाम में आपकी मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है के रुखसती के वक्त सैकड़ों लोग स्टेशन पर अशकबार आंखों से आपको अल्लाह हाफिज कहने को जमा थे। अजीज तलबा, ये किताब का आपके सामने होना इंतहाई ज़रूरी है, फिर ही इस बात की समझ आए, सुनना काफ़ी नहीं, किताब का होना बल्कि आपके सामने होना ये बहुत ज़रूरी है। इस ज़माने में मुसलमानों में मजहबी जज्बा उजागर था और लोग मज़हब को ही अपना सब कुछ समझते थे। इस दौर में सब अदीबों ने मज़हब को अपना मौजू बनाया, नवाब साहब का रुझान भी शुरू ही से मज़हब की तरफ था। इनकी अक्सर तालीमी इल्मी मुआशरती तहरीरें
किसी न किसी मोड़ पर मजहब से जा मिलती हैं। आपकी तहरीरों में अदबी शान पाई जाती है। आपने अंग्रेजी अदब से तराजम के जरिए इस्तेफादा किया। मगरबी ख्यालात का असर आपके मजामीन में नुमाया है। आप बात करने के फन से आशना थे। आपकी खुश गुफ्तारी से मुखालिफ भी आपकी बात के कायल हो जाते थे। बदरुद्दीन तैयब जी सर सैयद और इनके मिशन के खिलाफ थे, लेकिन आपकी तकरीर सुनकर वो ना सिर्फ हम ख्याल हो गए बल्कि अतिया देने पर भी मजबूर हो गए। जलसों में आप लोगों को अपनी खुश तबाही और ज़राफ़त के सहर में जकड़ लेते। इन्हें दूसरों से काम लेने का फन आता था। ऐसे दिल मोह लेने वाले अंदाज से बात कहते कि लोग आपके हुक्म की तामील में अपनी जान तक की परवाह न करते। नौकरों मातहतों से भी अच्छा सलूक करवा रखते। आपके हलकाए अहबाब में हर तरह के लोग शामिल थे। आप आदमी की फितरत फौरन परख लेते। नवाब साहब मुतालिया के शौकीन थे। अखबारात और उर्दू फारसी और अरबी कुतुब पढ़ने के साथ साथ अंग्रेजी कुतुब पढ़वा कर सुनते। सर सैयद करीबुल मरक थे। जब उर्दू जुबान की मुखालफत शुरू हो गई थी, सर सैयद ने ऐसी हालत में भी अपनी तहरीरों से उर्दू का दिफा किया। नवाब साहब के अहद में ये मुखालफत उरूज पर पहुंच गई तो उन्होंने इसकी हिफाजत के लिए एक अंजुमन कायम की। इस अंजुमन का शानदार जलसा लखनऊ में मुनअक़िद हुआ, जिसमें नवाब साहब ने फसीह व बलीग़ तकरीर से लोगों में जोशो जज्बा की लहर पैदा की। सर सैयद की वफात के बाद आपने इनके काम को पाया तकमील तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। अज़ीज़ तलबा, सबक का ख़ुलासा तमाम हुआ। फिर वही मैं बात कहूँगा कि जिसमें आप मलका हासिल करना चाहें उसकी खूब मशक करें। जितनी ज़्यादा मशक करेंगे उतना ही आपकी दस्तरस में वो फ़न आता जाए। खुलासा है, हवाला मतन है, सियाक सवाक है, मसमूम है। जितनी आप उसकी मशक करते जाएंगे, पढ़ेंगे, उतना ही दर खुलते जाएंगे, गिरें खुलती जाएंगी। तो मैं उम्मीद रखूंगा कि आप एक एक करके ध्यान और तवज्जो के साथ लेक्चर सुन रहे होंगे और हदायत पर अमल कर रहे होंगे। अल्लाह हमारा हमी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।